आप क्या ऐसे डेली डेली करते हो? हाँ डेली करते हैं हम इनको, डेली खिलाते हैं। क्या है कोरोना वायरस की वजह से आदमी इन लोगों को खाना नहीं दे मिल पा रहा है क्या? अरे कोरोना के चक्कर में ही खाना खुना नहीं मिलता, बेचारे भूखे मरते हैं। गौ माता है ये, गाय हमारी माता है। तो आप डेली डेली कहाँ से इतना सारा खाना लाते हो? डेली पीजीओ में से लेके आते हैं, जहाँ कहीं बचता है कुछ मिलता है इन पीजी के अंदर से ला के इनको खिला देते हैं। कितना सालों से अंकल ये आप कर रहे हो ऐसा सेवा? हो गए 6-7 साल। 6-7 साल हो गया, सही है। और आपके साथ और कोई कोई है? कुछ नहीं, अकेला ही हूँ। मतलब ये कि ये काम आप ही एक सिंगल करते हो? बिल्कुल। और बाकी लोग को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जैसा और भी करे, ताकि ये गर्मी और कोरोना टाइम में ऐसे क्राइसिस में कुछ बंदे आके ये बेजुबान पशुओं को खाना खिलाए? गौ की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा बताइए हमारे करो, उसमें गौ हमारी माँ है। हाँ, की सेवा करनी चाहिए सबको। कोई भी पशु है, निर्जीव है, बेचारा भूखा मरता है, सबको आत्मा तो भगवान ने सबको दी हुई है, उसको करना चाहिए। और पानी भी पिलाते हो? पानी भरा, पानी पिलाऊंगा, रोटी खिलाऊंगा बेचारे की। कितने दिन की बच्ची है? 10-11 दिन के बच्चा होगा ये। सही करते हैं अंकल। और आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं बाकी लोग को यहाँ? अरे क्या मैसेज देना चाहिए, जिसको जो कुछ कर रहा है अच्छी बात भी, कोई धर्म के काम करेगा तो आदमी कभी मार नहीं खाता, और वो उल्टे सुलटे काम करेगा तो मार खानी पड़ेगी। आपका नाम अंकल? अशोक यादव। ओके थैंक यू। तो पता लगता है भूख भी बेचारा बेजमान, गाय का बच्ची आई थी। कितना गाय डेली आप लोग खिलाते हो? कितना लगभग? 100-200? कोई गिनती नहीं है, जितना अगर पेट में लग जाता है उतना खिला देते, कोई गिनती नहीं है। वो मिलता है सबको, खिला देते, सबका नाश्ता हो जाता है सुबह सुबह। तो आपको डर नहीं लगता कोरोना में पीजी में जाके खाना लाना? ये गौ माता की काम की है, ये सब कुछ गौ माता अपने आप भर लेती है। ये दुख दर्द को वो गौ माता अपना ऊपर ले लेगी। सही बोल रहे हैं, गौ माता दुख दर्द अपना ऊपर ले लेगी अपने लाल को, ये कभी कुछ दिन कष्ट नहीं होने देती। बाकी आप खाली गाय लोग खिलाते हो और बाकी भी? अरे यहाँ गाय जितना हो जाता है, जिसके जो जिसके साथ सभी कर देते हैं, गाय कुत्ता बिल्ली जो भी है सबको खिला देते हैं।